नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ विद्यार्थियों मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य वाला टॉपिक ना केवल भी बल्कि आपके ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी फायदेमंद है। तो आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। आप सबको पता होना चाहिए कि मौर्य जो साम्राज्य था, उस मौर्य साम्राज्य से पहले भी यहाँ पर अनेक वंशों का आधिपत्य रहा हुआ था। आप सब जानते हैं ऋग्वेदिक काल में जन थे, जनों से महाजनपद बने। क्या बने थे? जनों से महाजनपद बने। और महाजनपदों के बाद जो है अनेक महाजनपदों ने मिलकर के विभिन्न राजवंशों का गठन किया। और उन्हीं राजवंशों में सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है आपका कौन सा? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से पहले भी भारत में कई वंशों का आधिपत्य रहा, जैसे नंद वंश है, कर्ण वंश है, वर्धन वंश है। कई वंशों का साम्राज्य हमारे भारत में विद्यमान रहा। अब बात आती है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें मौर्य साहित्य से प्राप्त होती है। और मौर्य साहित्य का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है आपका कौटिल्य। कौन है? कौटिल्य, जिसे हम विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य ने जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा उसका नाम है विद्यार्थियों अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र, जिसमें कितने अध्याय है? 15 अध्याय है। 150 क्या है? अधिकरण है। इसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। और राजनीति विज्ञान का जो भारत में सबसे पहला जो उसका ग्रंथ माना जाता है, वो भी प्रसिद्ध ग्रंथ जो माना जाता है, वो भी कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। और कौटिल्य जिसने कि अर्थशास्त्र लिखा, इसमें राजनीति, नीति, प्रशासन, अर्थशास्त्र, इन सभी चीजों को इस ग्रंथ में समाहित किया है। और इसी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें किसके बारे में? मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है ये आगे के वीडियोस में हम देखेंगे। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है आपका मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जिसको विशाखा दत्त ने लिखा। किसने लिखा विद्यार्थियों? विशाखा दत्त ने लिखा। मुद्रा राक्षस एक नाटक है, पहला ऐसा जिसमें नायिका विहीन नाटक है। और इसी ग्रंथ में विशाखा दत्त ने मौर्यों को क्या कहा विद्यार्थियों? वृषल के नाम से जाना गया कि मौर्य जो थे उच्च कुल के नहीं थे, मौर्य वृषल जाति के थे, शूद्र जाति के थे, ये कहने वाले विशाखा दत्त थे। और विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। उसके बाद में तीसरा ग्रंथ आता है विद्यार्थियों मेगस्थनीज की इंडिका। मेगस्थनीज जो कि एक यूनानी राजदूत था। क्या था विद्यार्थियों? यूनानी राजदूत था। हमें इंडिका तो नहीं मिलती, लेकिन इंडिका के बारे में प्लिनी, जस्टिस, प्लूटार, इन के ग्रंथ से हमें मेगस्थनीज की इंडिका में जो कुछ लिखा हुआ था उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है विद्यार्थियों। तो मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी थी। मेगस्थनीज यूनानी राजदूत था सेल्यूकस का, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सेल्यूकस का राजदूत था और यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी थी। क्या लिखी थी? इंडिका। और इसी इंडिका से हमें मौर्य साम्राज्य
प्रशासन, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, पाटलिपुत्र की जो नगर व्यवस्था थी उसके बारे में हमें पता चलता है। और इसी मैगस्त नीज ने पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा कहा था। मैगस्त नीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा था? पाली ब्रोथा कहा था। ठीक है विद्यार्थियों, ये तीन ग्रंथ जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं विद्यार्थियों। इसके अलावा प्लीनी, जस्टिस, प्लूटार्क इन यूनानी राजदूत यूनानी इतिहासकारों के माध्यम से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा अशोक के अभिलेखों, चंद्रगुप्त मौर्य के समय के अभिलेखों के माध्यम से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है विद्यार्थियों। ठीक है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त ने लिखी मुद्रा राक्षस और मैगस्त नीज ने लिखी इंडिका, इन ग्रंथों के माध्यम से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में क्या चलता है विद्यार्थियों? पता चलता है। अब बात आती है कि मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से शासक हुए, मौर्य साम्राज्य क्यों प्रसिद्ध रहा, मौर्य साम्राज्य का हमारे भारत में इतना महत्व क्यों है, इसके बारे में हम आगे इस वीडियो में देख रहे हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखना है बच्चों, भद्रबाहु का कल्प सूत्र, भद्रबाहु का कल्प सूत्र ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो है आपका हरिशेर का बृहत कथा कोश ये भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसके अलावा एरियन जो हुआ उसने इंडिका लिखी। ठीक है, इन ग्रंथों से के माध्यम से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। पहला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दूसरा है विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, तीसरा है मैगस्त नीज की इंडिका, प्लीनी, जस्टिस, प्लूटार्क की रचनाएं, मैगस्त नीज जिसने पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा का, भद्रबाहु का कल्प सूत्र, हरिशेन का बृहत कथा कोश और एरियन की इंडिका, इन ग्रंथों के माध्यम से हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं कि मौर्य शासन का या मौर्य साम्राज्य का इतना महत्वपूर्ण योगदान क्यों है, ऐसे कौन कौन से शासक हुए जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य इतना प्रसिद्ध हो पाए। तो ध्यान रखना है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, भद्रबाहु का कल्प सूत्र, मैगस्त नीज की इंडिका, ये सभी ग्रंथ मौर्य साम्राज्य की हमें विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं विद्यार्थियों। ठीक है, अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के शासकों के बारे में। देखो, मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है विद्यार्थियों, वो माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य के राजवंश की अगर हम बात करें, राजवंश के संबंध में मत, तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, जो हमारा ब्राह्मण मत है वो ये कहता है कि जो मौर्य थे वो शूद्र जाति के थे, वृषल थे। क्या कहा? शूद्र जाति के थे और वृषल थे। जबकि बौद्ध साहित्य जो है वो ये कहता है कि मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे वो क्षत्रिय थे। क्या थे? क्षत्रिय थे। जबकि जैन जो साहित्य है वो ये कहता है मयूर सरदार की पुत्री के वंशज थे, इसीलिए उन्हें मौर्य कहा गया। ये जैन साहित्य हमें कहता है, बौद्ध साहित्य कहता है वो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण साहित्य कहता है वो शूद्र और क्या थे? वृषल थे। इसके अलावा भी मौर्यों को स्पूनर ने मौर्यों को फारसी कहा। क्या कहा? मौर्यों को
फारसी कहने वाले जो थे वो कौन थे आपके? स्पूनर थे। इसके अलावा ब्राह्मण कहने वाले शूद्र थे। इसके अलावा आपका यूनानी इतिहासकार जस्टिन, क्या नाम है? यूनानी इतिहासकार जस्टिन, उसने कहा मामूली घराने के थे। क्या थे? मामूली घराने से संबंधित थे। कौन? मोरी। ये कहने वाले कौन थे? आपके जस्टिन थे। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या उसके राजवंश के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। ब्राह्मण साहित्य कहता है कि मौर्य शूद्र और वृषभ थे। बौद्ध साहित्य कहता है कि वो क्षत्रिय थे। जैन साहित्य कहता है कि मयूर सरदार की पुत्री के वंशज थे। यूनानी इतिहासकार स्पूनर ने मौर्यों को फारसी बताया और जस्टिन ने मामूली घराने से संबंधित बताया। किसको? मौर्यों को। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी इतिहासकार सैंडोकोट्स और एंडोकोट्स के नाम से भी जाना जाता है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को पराजित किया था विद्यार्थियों? नंद वंश को पराजित किया था। और नंद वंश के शासक घनानंद को, किसको? घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना नंद वंश को समाप्त करके की थी। अब बात ये आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराने में सबसे ज्यादा जो कूटनीतिक सहयोग किया था वो किया था किसने? कौटिल्य ने। कौटिल्य के बारे में माना जाता है और किंवदंति भी है, कौटिल्य और जो चाणक्य थे नंद वंश में, घनानंद ने उनको अपमानित किया था और अपनी अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से, जो कि मौर्य साम्राज्य में एक सैनिक था, सैनिक से सेनापति बना और चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीतिक शिक्षा के माध्यम से, राजनीतिक दाव पेचों को समझा करके कौटिल्य ने घनानंद को पराजित करवा दिया और मौर्य साम्राज्य के ऊपर या मगध के ऊपर नंद वंश को समाप्त करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखने वाले थे विद्यार्थियों चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने अनेक विजय हासिल की थी। कौन कौन सी विजय हासिल की विद्यार्थियों? ध्यान रखना। पहला आता है सेल्यूकस। सेल्यूकस ने भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। और माना जाता है कि 322 ईस्वी में एक एपीडियस की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? एपीडियस संधि के तहत जो है सेल्यूकस जो है उसके तहत यहाँ पर उसके सैनिक या सेनापतियों को नियुक्त किया गया और इसी सेल्यूकस जो था उसके जाने के बाद पंजाब पर अधिकार कर लिया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस के झेलम नदी के अपार नहीं कर पाया था। झेलम नदी से पहले ही सेल्यूकस रुक गया था और वापस चला गया था और एपीडियस संधि की गई थी और इस एपीडियस संधि के तहत जो है अलग अलग इलाके अलग अलग लोगों को सौंप दिए गए थे। तो पंजाब को वापस अपने आधिपत्य में करने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य। और जस्टिन ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि सेल्यूकस के जाते ही पंजाब पर अधिकार स्थापित कर लिया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो पंजाब पर अधिकार स्थापित करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो दूसरा साम्राज्य स्थापित किया वो है आपका सौराष्ट्र पर विजय। सौराष्ट्र पर विजय। आप सबको पता होना चाहिए विद्यार्थियों कि जूनागढ़ अभिलेख से, कौन से अभिलेख से? जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है कि उस समय सौराष्ट्र का जो शासन था वो किसके पास था? पुष्यगुप्त के पास था। पुष्यगुप्त ने जो है उस समय पुष्यगुप्त को वहां का प्रशासक नियुक्त किया था। किसने?
चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो उससे पता चलता है कि सौराष्ट्र पर भी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी विजय हासिल की थी। तो सौराष्ट्र पर जब उसने विजय हासिल की तो आपको पता होना चाहिए वहीं पर ये पुष्यगुप्त के सुनिर्देशन में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण करवाने वाला या सुदर्शन झील जो बनाने वाला था पुष्यगुप्त, वो किसके मार्ग निर्देशन में बनी? आपके चंद्रगुप्त मौर्य के मार्ग निर्देशन में बनी थी। अब जो तीसरी विजय सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी कौन कौन मानी जाती है? सेल्यूकस सिकंदर। क्या है? सिकंदर। ठीक है विद्यार्थी, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट विजय मानी जाती है वो मानी जाती है विद्यार्थियों सेल्यूकस पर विजय। सेल्यूकस पर विजय हासिल करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। वो कैसे? देखिए विद्यार्थियों, सेल्यूकस तीसरी विजय हासिल की, सेल्यूकस पर विजय हासिल की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। वो कैसे? ध्यान रखना है विद्यार्थी, 305 और 306 में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध करने की सोची, क्योंकि सेल्यूकस का मानना था कि वो पश्चिमोत्तर भारत पर अपने आधिपत्य को मजबूत कर सकता है, क्योंकि यूनानी प्रभुत्व उसने पूरी तरीके से हासिल कर लिया था। तो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच 305 और 306 के मध्य युद्ध होता है और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजय हो जाता है। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि कर लेता है और संधि के नियमों के तहत सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। किसका विवाह? अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है और चंद्रगुप्त मौर्य और जो हेलेना का विवाह हुआ इसे पूरे भारत में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह के नाम से जाना जाता है। और मौर्य साम्राज्य का सबसे पहला महत्व यही है था कि मौर्य साम्राज्य ही पहला साम्राज्य था जिसके शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह संपन्न किया था। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने वाले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य है। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछा गया है विद्यार्थियों कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने वाले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और उन्होंने हेलेना के साथ क्या किया? विवाह किया। सेल्यूकस ने इसके साथ एक और काम किया कि अपने यूनानी राजदूत मेगस्थनीज को भारत भेजा। मेगस्थनीज को राजदूत बना करके भारत में भेजा था और इसी मेगस्थनीज ने जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ लिखा वो कौन सा था? इंडिका लिखा। और इसी इंडिका के माध्यम से हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस के साथ क्या किया? युद्ध किया। युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है और दोनों के मध्य संधि होती है। हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर लिया जाता है। इसके बदले में 500 हाथी सेल्यूकस को देता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य अपने 500 हाथी सेल्यूकस को प्रदान करता है और इस प्रकार भारत का प्रभुत्व हिंदू कुश से लेकर कर दक्षिण में कर्नाटक तक हो जाता है और पश्चिम में जो है आपका पश्चिम से लेकर पूर्व में बांग्लादेश तक जो है इसका महत्व बढ़ जाता है। किसका? भारत का। पश्चिम में मकरांत से लेकर के पूर्व में बांग्लादेश तक भारत का विस्तार हो जाता है। इसी कारण मौर्य साम्राज्य के बारे में कहा जाता है प्रथम ऐसा साम्राज्य जिसने समस्त भारत को में एकता स्थापित की, एक छत्र शासन समस्त भारत में स्थापित करने वाले प्रथम साम्राज्य जो था वो मौर्य साम्राज्य था। तो मौर्य साम्राज्य की सीमा
हिंदू कुश से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, पश्चिम में मकरांत से लेकर पूर्व में बांग्लादेश तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार हो चुका था। बांग्लादेश में भी आपका चंद्रगुप्त मौर्य का आधिपत्य था। महास्थान लेख भारत का प्रथम अभिलेख महास्थान से प्राप्त हुआ है और इसी महास्थान लेख के माध्यम से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। और इस महास्थान लेख के माध्यम से एक बात और साफ हो जाती है कि चंद्रगुप्त का साम्राज्य बांग्लादेश तक विद्यमान था। अब बात यह आती है कि सेल्यूकस पर विजय हासिल की, समस्त भारत पर एक छत्र शासन किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। आपने देखा पंजाब पर अधिकार किया, आपने देखा सौराष्ट्र पर अधिकार किया, आपने देखा सेल्यूकस को इसने क्या किया, पराजित किया। इसके अलावा भी चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने मेगस नीज जो इसके काल में आया था उस पर क्या किया, उसके साथ उसने मेगस नीज जो यहाँ पर यूनानी राजदूत बन करके आया था उसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा। पाटलिपुत्र की समृद्धता का इसने वर्णन किया है। तो हमने आज चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिस्कस किया विद्यार्थियों। आगे के वीडियोस में हम इसके पुत्र बिंदुसार और उसी के पुत्र अशोक के बारे में डिस्कस करेंगे विद्यार्थियों। तो आप चाहते हैं कि मैं मौर्य साम्राज्य के आगे के टॉपिक्स आपको क्लियर कराऊं, और जो बच्चे आगामी वीक का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद वीडियो है बच्चों, मैंने पूरी डिटेल में आपको इसको समझाया है। आगे के वीडियोस में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आते रहेंगे। आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को लाइक्स करें, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट दीजिए ताकि हमें लगे कि आप सब हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आप सब अवश्य सफल होंगे, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।